Hi guys, welcome to my channel. मैं हूँ रौनक and I hope you all are doing absolutely good, 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 but the best. और हमें हमेशा best ही रहना चाहिए. And आज का जो हमारा topic है वो काफी ज़्यादा मज़ेदार है, because ये मुझे आप लोगों ने suggest किया था कि makeup challenge under 100 rupees. और ये मुझे suggest किया था माहिरा और अरुलीना ने. So thank you guys for suggesting. और अगर आप में से भी कोई चाहता है कि मैं वो करूँ जो आप चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा छोटा सा प्यारा सा कमेंट कि ये वीडियो बना दो यहाँ बता दो या इंस्टाग्राम पे बता दो. बहुत कम फॉलोवर्स है मेरे, बढ़ना चाहते हैं वो, जल्दी से जाओ और फॉलो करो फॉलो करो लाइक करो. और अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मेकअप चैलेंज अंडर 100 rupees के चैलेंज से. तो जो सबसे पहली चीज मैंने ऑर्डर की है वो है ये डॉक्टर रेशल की वेट वाइप्स स्ट्रॉबेरी. और उसके बाद मैंने परचेस किया है ये छोटू सा प्यारा सा हार्ट शेप वाला लिप ग्लॉस. यार इसकी पैकेजिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है, कितना क्यूट सा है. और अंदर ना इसके कुछ पार्टिकल्स है ग्लिटरी ग्लिटरी वाले, जिससे ये और अच्छा लग रहा है. तो पहले लिप को ग्लॉस कर लेते हैं मॉइस्चराइज कर लेते हैं सॉरी. हल्का सा पिंकिश लिप टिंट भी आया है लिप्स पे. और इसका जो प्राइस है, इसको मैंने परचेस किया है 50 rupees में. यार मतलब सही है ना, सही है, आप इसको परचेस कर सकते हो. सो उसके बाद मैंने परचेस किया है ये लैक्मे पीच मिल्क सॉफ्ट क्रीम का मॉइस्चराइजर, जो कि पॉन्ड्स वाले मॉइस्चराइजर से काफी मिलता जुलता है. और इसका जो प्राइस है ये भी 40 rupees है. तो अप्लाई करके देखते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा है, इसके काम कैसे है. सो लेट्स अप्लाई. गाइस, तो एप्लीकेशन वाइज तो जबरदस्त है एंड नॉन ग्रीजी नॉन ऑयली इफेक्ट है इसके. और थोड़ा सा स्किन वाइटनिंग इफेक्ट भी है. अगर आपको दिख रहा हो तो मेरा जो पहले वाला फेस था वो थोड़ा सा डल डल दिख रहा था, अभी का थोड़ा अच्छा दिख रहा है. सो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो. एंड इसके बाद मैंने परचेस किया है ये हुडा ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. और इसका जो प्राइस है वो है 80 rupees. 80 rupees में आपको मिल रहा है हुडा ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर. सोचिए, सोचो, दिमाग पे जोर दो थोड़ा. अप्लाई करके देख लेते हैं कि कैसा है ये हुडा ब्यूटी का कंसीलर. कंसिस्टेंसी काफी थिन है यार इसकी. और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मुझे मिला है 20 rupees का. वाओ कितना सही है, मतलब 20 rupees में ब्यूटी ब्लेंडर. क्या मिलता 20 rupees में आजकल? पैम्पर्स मिलता सिर्फ. तो ब्लेंड करके देखते हैं गाइस. अरे इधर गया. लग रहा है आपको कि कोई कंसीलर भी लगा था मेरे फेस पे. क्या है, कभी जिंदगी में सोचना मत इसको परचेस करने का. अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट. तो कंसीलर ने तो दिल तोड़ दिया, अब चलते हैं फाउंडेशन की तरफ. और ये देखो फाउंडेशन तो आया ही नहीं है. मतलब मैंने ऑर्डर किया था कलर एसेंस का फाउंडेशन, लेकिन ये मुझे मिली है कलर एसेंस की थ्रू टोन बीबी क्रीम ग्रेप सीड ऑयल SPF 15. वाओ, तो पैकेजिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, फेस पे लगने के बाद ये भी अच्छी लगनी चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी कि ये मेरा शेड है ही नहीं, मैदा है ये मैदा, इतना वाइट. चल रहा है कि ये मेरा शेड नहीं है. तो ये हो गया ब्लेंड और ऐसी दिखती हूँ मैं फाउंडेशन. तो सॉरी बीबी क्रीम ब्लेंड करने के बाद. और अब अप्लाई करेंगे कॉन्टोर. कॉन्टोर के लिए मैंने ऑर्डर की है ये किस ब्यूटी की कॉन्टोर स्टिक, जो एक 2-in-1 है हाइलाइटर प्लस कॉन्टोर. हाइलाइटर का मतलब मुझे समझ में नहीं आया, शायद कंसीलर है ना, आपको पता है? पता तो कमेंट करके बताना कि इसका मतलब क्या है. सो ओपन करके देखते हैं. एंड ये मुझे मिली थी 49 rupees की, जो काफी ज्यादा सस्ती है देखा जाए तो. अरे इसका कलर कैसा है ये कॉन्टोर का? सीरियसली लग रहा है
है कि मेरे फेस पे कंटूरिंग जैसा कुछ हुआ है, कंटूरिंग का सी छू के गुजरा है, तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हाँ आपके फेस पे कंटूरिंग का सी छू के गुजरा है क्योंकि मुझे ही लगता है कि मेरे फेस पे कंटूरिंग हुई ही है। क्या है ये पीला पीला? ओके गाइस, तो ये जो किस ब्यूटी की कंटूर स्टिक है, इसको परचेस करने के लिए मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी, तो इसको परचेस मत करना, ठीक है? अच्छी नहीं बस। सो उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है ये स्टील पैरिस का फेयरनेस कॉम्पैक्ट पाउडर SPF 26, और ये ऐसा दिखता है, देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अप्लाई करके देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है? तो इसका जो प्राइस है वो 99 है इसमें, बट अगर आप इसको परचेस करोगे कोई भी साइट से तो ये आपको थोड़ा सा कम में मिल जाएगा, मीशो वगैरह से करोगे तो। तो अगर आप इसका परचेस करना चाहते हो तो 50-50 है ये, कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। एंड आई मेकअप के लिए मैंने ऑर्डर किए हैं ये दोनों आई शेडो पैलेट, और ये दोनों मुझे मिले हैं 300 रुपीज में, तो एक का प्राइस हो गया 150 रुपीज, और यहाँ पे थोड़ा सा बजट बढ़ गया बिकॉज इसके नीचे कोई भी आई शेडो पैलेट नहीं था। एंड ये है इसके कलर, ये हुडा ब्यूटी का कॉपी वाला पैलेट है, क्योंकि सारे जो कलर के नाम है वही है, दुबई फ्लिंग कोको मैनिएटर, इतना कॉपी, इतना ज्यादा कॉपी। और ये तो मैं आपको बताने ही भूल गई कि मैंने ब्रशेस भी ऑर्डर किए थे, तो ये है वो ब्रशेस का सेट, और ये मुझे मिला है 100 रुपीज का। अगर आप किसी अच्छे आई शेडो की तलाश में हो और आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली ये दोनों आई शेडो पैलेट ट्राई कर सकते हो, बजट फ्रेंडली है और सही है, 50-50 है। तो अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये 3-in-1 सेट, ये 3-in-1 सेट नहीं है, 4-in-1 सेट बोलेंगे, बट यहाँ पे 3-in-1 लिखा हुआ है। तो इसमें आता है मस्कारा, आई लाइनर, पेंसिल, आईब्रो और काजल, और ये मुझे मिला है 125 रुपीज का, मतलब चार चीज 125 रुपीज में, क्या कम है, क्या कम है इसमें। तो अप्लाई करके भी देख लेंगे कैसा है ये। ओके, तो जो पिगमेंटेशन है काजल का काफी सही है, 124 रुपीज में चार चीजें। ऐसी दिखती है मेरी आंखें आईलाइनर अप्लाई करने के बाद, और ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और अगर आप इसको आराम से यूज करोगे सही से सारी चीज को तो मतलब अच्छा लुक आप क्रिएट कर सकते हो, और 125 रुपीज में चार चीजें मिलना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है ना। पैकेजिंग तो तीनों चीजों की सही है, आईब्रो पेंसिल को छोड़ के आप ऐसा समझना कि आपने पैकेजिंग के पैसे दे दिए, ठीक है। तो ब्रश के बाद हम अप्लाई करेंगे हाइलाइटर, और ये मैंने ऑर्डर किया है शील्स का प्रोफेशनल शिमर ब्रिक हाइलाइटर, जो कि मुझे मिला है 99 रुपीज का, अगेन ऑफर था। MRP क्या है इसकी मुझे नहीं पता, सही में नहीं पता, यहाँ पे लिखी भी नहीं है। पैकेजिंग वाइज तो ऑसम है, अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई करने के बाद कितना ऑसम दिखता है। अच्छा काम किया है अब तक इस हाइलाइटर ने, और ये हमारा स्टार प्रोडक्ट है आज का, क्योंकि ये सबसे अच्छा लगा मुझे। सो गाइस, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली विदाउट एनी सेकंड थॉट परचेस कर सकते हो। और अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, और ये एक लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, ADS की सुपर स्टे मैट लिक्विड लिपस्टिक। ओके, शेड भी जबरदस्त है, और इसका जो प्राइस है वो है 80 रुपीज। अनदर स्टार प्रोडक्ट है ये हमारा आज का, और मतलब आग लगा दी जबरदस्त। और अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना कुछ सोचे समझे इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे, प्राइस सुनो इसका, सिर्फ प्राइस सुनो 79 रुपीज। वाह 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 वाह, स्मेल करते हैं मुझे इसकी एक और खास बात पता चल गई कि आप इसको एज अ परफ्यूम भी यूज कर सकते हो, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसकी। है ना, मेकअप फेस पे टूट गया। मतलब इतना भी ज्यादा बुरा नहीं, अगर आपका बजट कम है और आप किसी सेटिंग स्प्रे की तलाश में हो तो आप ये हुडा ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो, मात्र 79 रुपीज का है, एंड अच्छा है, कर सकते हो यूज। तो कैसा लगा आपको ये मेकअप अंडर 100 रुपीज चैलेंज? उतना भी बुरा नहीं था, आपको थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल सकती है कि आपको क्या परचेस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जैसे ये बताया वैसे आगे ही बता देना। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।